A very, very gracious welcome to the enlightened youth of this country. Main Anam Ahmed from the platform of Pencilbox Education. Aap sabhi ka swagat karti hoon the Hindu Newspaper Analysis mein. Aaj is 7th December 2018. So what are we waiting for? Here we go. So I have this brief little information about who I am. Main kahan ko aati hoon, kahan ko jaati hoon. Might just give it a check. This will remain the pattern of our discussion, starting with an amazing, inspiring quote and ending on a map practice question. So let us see what amazing, inspiring line we have for us today. When you choose to forgive those who have actually hurt you, you take away their power to further hurt you in the near future. This is a very inspiring, encouraging, a very positive approach that you can take in your life very much. And trust me, if you implement this approach, to sirf aap जो है लव ही स्प्रेड करेंगे, हेट स्प्रेड नहीं करेंगे. बिकॉज देयर विल बी अ टाइम्स जब आप हर्ट होंगे, आप भी किसी को हर्ट करेंगे, कोई आपको हेट करेगा, आप उसे हेट करेंगे. तो इस सारी प्रक्रिया में हमें अफेक्ट करने वाली एक ये चीज़ होती है कि द पर्सन हुज हर्टिंग हम अस पर्पसली, तो हम उसके यू नो हर्टफुल इंस्टेंसेस को लेकर के हम अफेक्ट हो जाते हैं, फिर उनको पूरी पावर दे देते हैं. उनको लगता है कि वो हमारी ज़िंदगी में इतनी इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं, इतना एक अच्छा खासा रिमोट कंट्रोल वो पजेस करते हैं कि दे हैव अ वेरी वेरी ह्यूज इम्पैक्ट ऑन अस, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए. जैसे कि मैंने आपको पिछले कोर्स में भी हमेशा एक मेरी लाइन ये रहती है कि अपने लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए. ये रिमोट कंट्रोल आप किसी को ना दे तो बेहतर है. अपनी फीलिंग्स का रिमोट कंट्रोल, अपने डिसीजन का, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग का, अपनी थिंकिंग का, अपने ओपिनियंस का, ये जो रिमोट कंट्रोल है ये हमारे हाथ में होना चाहिए, ताकि कल को कोई रिग्रेट ना हो, ताकि कल को कोई हमारी ज़िंदगी में हमसे ज़्यादा हक ना जमा पाए. हमारी ज़िंदगी पर हमारा हक सबसे ज़्यादा है. तो अगर आप फर्गिव कर देते हैं जिन्होंने आपको हर्ट करा है, फर्गिव कर देते हैं, ऐसे प्रिटेंड करते हैं एज इफ यू नो इट रियली डिडंट बॉदर यू एंड यू आर नॉट वेरी मच बॉदर्ड अबाउट इट एंड यू आर जस्ट फाइन एंड यू हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट इंस्टेंस, तो आप उनकी पावर ही यू नो खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास पावर नहीं रहेगी. आपके हाथ में आपका कंट्रोल जो है, रिमोट कंट्रोल है, एंड यू आर वेरी मच इन कंट्रोल ऑफ योर फीलिंग्स, योर थॉट्स, योर इमोशंस एंड एवरीथिंग. प्लस ये थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स एक राइट जगह पे, एक राइट दिशा पे, एक राइट कॉज के लिए इन्वेस्ट करना ही सही है, अनिवार्य है, जरूरी है और मुलाजिम भी है. सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम अस. और ये है फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप जिसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है. डू जॉइन इट. पीडीएफ में शेयर करती हूँ. लाइक करिएगा, समर्थन दीजिएगा, रिव्यू लिखिएगा. बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, शेयर अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस. हम सब एक परिवार का हिस्सा है और सुख दुख के साथी है. तो चलिए कपल ऑफ एडिटोरियल्स है हमारे इंतजार में आज. तो पहला है शील्डिंग विटनेसेस. यहाँ पर जो है किसी क्राइम में आप विटनेस हैं, आपको गवाही देनी है, आप गवाह हैं, तो उस गवाह के राइट्स के ऊपर, उस गवाह के प्रोटेक्शन के ऊपर कोई लॉज नहीं थे हमारी कंट्री में. तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेंटर को कमिटी बैठानी चाहिए. बैठा करके जो रिकमेंडेशंस बाहर आए हैं वो सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो वील बी फोकसिंग फ्यू पॉइंट्स आउट ऑफ दैट आर्टिकल एज वेल. यहाँ पर है क्विक रिट्रीट. दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट द येलो जैकेट मूवमेंट विच आई हैव डिस्कस्ड इट येस्टरडे. फ्रांस और नेबरिंग कंट्री में एक वाइड स्प्रेड सिविलियन प्रोटेस्ट देखा जा रहा है. बहुत ज़्यादा तादाद में लोग सड़कों पे आ रहे हैं, वैंडालिज्म कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं और सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रहे. स्कूल्स, कॉलेजेस एंड बहुत सारे काम की जगहें बंद हैं एंड द कंट्री हैज़ कम टू अ स्टैंड स्टिल. और वो प्रेसिडेंट का रिजिग्नेशन चाहते हैं बिकॉज प्रेसिडेंट ने अभी हाल ही में वेल्थ टैक्स है, फ्यूल टैक्स है, तो इन सब में बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया था रेट, क्योंकि वो उसको जस्टिफाई ऐसे कर रहे हैं कि वी रियली वांट यू टू गो थ्रू टू अ वेरी क्लीनर वे ऑफ मोबिलाइजेशन. फॉर एग्जांपल आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लीजिए, आप प्राइवेट व्हीकल से डिस्करेज फील करिए, आप बाइसिकल्स वगैरह यूज़ करिए. बट जनता का ये यू नो पूरी फीलिंग है कि जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू एनकरेज अस टू अ वेरी प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर, दैट डजेंट मीन यू विल मेक आर सर्विसेज वेरी कॉस्टली. प्लस अनएम्प्लॉयमेंट का वहाँ शिकायत है, वहां पर इन्फ्लेशन की शिकायत है, वहां पर टैक्स इंक्रीज की शिकायत है. तो जो भी है, ऑल इन ऑल पैसे की शिकायत है. द मनी इज द बेसिक इशू. वहां पर जो सिटीजन्स है दे आर नॉट वेरी मच हैप्पी.
When they read about or they experience a lot of changes in the government's policies, so they really want ki president apna resignation unki table pe rakh de aur wo sukoon shanti se phir ghar ja paaye. So it's a very widespread movement in France. Hum French Revolution ke us era ko yaad kar sakte hain jab pure ke puri society, French society ek strata mein divided thi. Upper class, middle class, lower class, us class ke hisab se unki income defined thi, unka way of work defined tha, unka educational qualification डिफाइन था, उनका इवन ग्रोथ का यू नो एक लेवल डिफाइन था कि लोअर क्लास इसके ऊपर कभी ग्रो नहीं कर पाएगा. प्लस ब्रेड के प्राइसेस इतने ज्यादा हाई हो गए थे, तो समझ लीजिए फिर तो लोग जनता जो है सड़कों पर आ गई थी कि हम एक तो इस लेवल से ऊपर बढ़ नहीं सकते, अनटचेबिलिटी है, रेसिज्म है, हमें एक क्लास में डिफाइन करा हुआ है, राइटिंग हमें वोट्स राइट टू वोट नहीं है, तो ये अब ब्रेड भी आपने महंगी कर दी तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, हाउ विल वी एक्चुअली यू नो ये तो हमारी डेली नीड है, ये हमारा खाना पीना तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो हाउ विल वी लाइक रियली गेट आई मीन फॉर आवर सर्वाइवल हाउ इज इट एट ऑल पॉसिबल. तो वही वाला एरा आज फिर आर्टिकल राइटर और आने वाले एक आध दिन से आर्टिकल्स यही याद कर रहे हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में दैट हैज बीन एन वेरी सेंट्रल आई मीन the history is actually repeating itself after 200 years. French Revolution ko kitne saal ho gaye, 300 saal ho gaye kam se kam, 1700s mein something hua tha, to haan I guess 300 above years ho gaye usko. The next article is talking about still on the last chance saloon. Yahan par baat ho rahi hai conference of party 24 2018, Poland mein ho rahi hai, to we'll be focusing few points out of that article as well. Relationship under stress, yahan par USA aur Saudi अरब के रिलेशनशिप के ऊपर कमेंट करा जा रहा है. सऊदी अरब के जो इन क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान पे आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने असासिनेशन कराया है एक बहुत ही जाने माने जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी का इस्तांबुल में घुस करके. मतलब इतनी जुर्रत है कि वो इंसान उनकी कंट्री के टेरिटरी मतलब टेरिटरी में था भी नहीं, किसी और कंट्री में जाकर के उसका असासिनेशन प्लॉट करके वो क्लीन चिट कैसे उनको मिल सकती है. तो कार्रवाई होनी चाहिए, गुनहगारों को सजा होनी चाहिए, मोहम्मद बिन सलमान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करनी चाहिए. तो उसी पे प्रेशर बना हुआ है यूएसए के कंधों पर कि आप ह्यूमन राइट्स के ऊपर फिर कमेंट नहीं कर पाएंगे, आप बाकी अच्छे बुरे पे कमेंट नहीं कर पाएंगे जब आप ही को तमीज नहीं है अच्छे बुरे का साथ देने की. तो आई एम सॉरी, we'll be focusing few points out of that article as well. Is social media polarizing our society? तो ये आज फ्राइडे है, फ्राइडे आता है चर्चा का विषय. चर्चा का विषय ये है कि क्या सोशल मीडिया के होने से हमारी सोसाइटी पोलराइज हो रही है, हमारी सोसाइटी में फेक न्यूज़ की तादाद बढ़ रही है, हमारी सोसाइटी इन शॉर्ट लो IQ सोसाइटी होती जा रही है या नहीं, क्योंकि कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर्स का बैकग्राउंड एनालिसिस नहीं कर रहा, कोई भी असली न्यूज़ जानने में इंटरेस्टेड नहीं, सब अफवाह पे बिलीव कर रहे हैं, सब आंखों देखा हाल पे बिलीव कर रहे हैं. तो यहां पर ये वाली पार्टी कह रही है हाँ, ये कह रहे हैं ना जी ना ऐसा कुछ नहीं, आई लव सोशल मीडिया एंड आई लव बीइंग ऑन सोशल मीडिया, और ये कह रहे हैं इट्स कॉम्प्लिकेटेड, कहीं ना कहीं हाँ भी है, कहीं ना कहीं ना भी है. तो वील बी लाइक यू नो कोटिंग फ्यू पॉइंट्स आउट ऑफ दिस आर्टिकल एज वेल. यहां पर पंजाब पॉलिटिक्स के ऊपर कुछ बात हो रही है, पॉलिटिकल पार्टी से कुछ लोग रिजाइन करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ में यू नो पॉलिटिकल थॉट्स में कुछ एक डिसएम्बार्कमेंट है, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ दैट. वील नॉट बी फोकसिंग दिस एट ऑल बिकॉज एज आई हैव टोल्ड जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड आर्टिकल से हमें एज एस्पिरेंट्स तो दूर रहना ही है, बिकॉज दिस विल अगेन वेस्ट आर टाइम इन आर प्रिपरेशन. बिकॉज आई मीन ऑफन सी एस्पिरेंट्स एंड पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सर्विसेज, दे गेट डेविएटेड टू दीज मोर गॉसिप न्यूज, डेविएटेड टूवर्ड्स कांग्रेस बीजेपी और CPI CPM और BSP SP, कौन सप्ताह में आएगा कौन नहीं आएगा. मतलब यू आर नॉट एट ऑल एन एप्रोप्रिएट पर्सन टू बी डिस्कसिंग सच इशूज वेन यूल हैव दैट यू नो अ बेली फैट एंड अ वेरी टाइट टमी, और फिर आप बैठ करके अपनी कुर्सी पर जब चाय पी रहे होंगे ना लंच ब्रेक में, जब कुछ बन जाएंगे 10-12 साल हो जाएंगे आपकी सर्विस को, तब आप बैठ करके जो है पॉलिटिकल डिस्कशंस करेगा. बट नाउ व्हेन यू हैव टू फोकस ऑन वेरी इंपॉर्टेंट प्रेसिंग इशूज जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, सो आई गेस पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट्स न्यूज जो कि एक फेवरेबल एरिया नहीं है हमारे लिए इंस्पेक्ट करने के लिए. प्लस व्हेन यू बिकम अ ब्यूरोक्रेट एज वेल, आपको एक पॉलिटिकल न्यूट्रैलिटी मेंटेन करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. आई डोंट से दैट कि आपको अवेयरनेस नहीं होनी चाहिए, उसके लिए मैंने आपको पहले भी बोला कि आप दूरदर्शन है, ABP न्यूज है, NDTV है, आप किसी का भी पैनल डिस्कशन सुन सकते हैं, एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर कि आपके कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज
आपके इंटरेस्ट को सर्व करती है, आपको उसके मैनिफेस्टोस पसंद है, ताकि आप एक अच्छा और सही राइट वोटिंग बिहेवियर आप यू नो एग्जिबिट कर पाए एंड ऑल ऑफ दैट. बट या एज सच आपकी प्रिपरेशंस कंसर्न्ड है, एडिटोरियल्स कंसर्न्ड है, आर्टिकल्स कंसर्न्ड है, आई पर्सनली डोंट फील दैट वी शुड यू नो रियली टॉक अबाउट सच पॉलिटिकली मोटिवेटेड आर्टिकल्स. डेटा पॉइंट में भी आज कुछ अच्छी खबर, एक अच्छा स्टैट्स हमारे लिए आए, तो वील बी फोकसिंग दैट. चलिए शुभारंभ करते अपने इस खूबसूरत दिन की शुरुआत का अपने पहले आर्टिकल से, जो कि बात कर रहे हैं शील्डिंग विटनेसेस. यहां पर जो गवाह देते हैं उनके प्रोटेक्शन के ऊपर लॉज बने, आईपीसी की धारा बने कि उनको हम कैसे आगे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और जो लोग उनको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जान के भूखे हो रहे हैं, या फिर उनको जो है हम यू नो हर्ट करने की उनको कोशिश कर रहे हैं, तो हम उनके लिए एक कड़ी से कड़ी सज़ा हम रख पाए, सुना पाए, सेफ गार्ड कर पाए. तो वही बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट हैज एक्चुअली मेड इट मैंडेटरी फॉर द सेंटर टू मेक लॉज, ताकि स्टेट्स भी उसको इम्प्लीमेंट करें. और ये हमारी एक यू नो एक ऐसा मैकेनिज्म, क्योंकि अब जुडिशल उसको हमें अच्छे से फंक्शन करने के लिए वी रियली नीड विटनेसेस, बिकॉज किसी भी इंसिडेंट में हमारा एक विटनेस का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, गवाही बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अगर एक गवाही को हम प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ऐसा एक मैसेज जाता है सोसाइटी में कि नहीं यार, हमें किसी के पचड़े में पड़ना ही नहीं है, बिकॉज पचड़े में पड़ने के बाद हमारी जान पे मुसीबत आ जाएगी, हमें ब्लैकमेल थ्रेट्स आने लगेंगे, हमें जो है हमें कोई फॉलो करने लगेगा, या हमारी प्राइवेसी में इंट्रूड कर देगा. तो वी रियली don't want to get involved into any matter like that. And ये हमारे लिए काफी ज्यादा you know एक black day हो सकता है किसी के भी कांड में इन्वॉल्व होना. तो ऐसी सारी फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए. जैसे कि मैंने भी एक्सपीरियंस करा है, अपने आसपास के लोगों से सुना है कि जब भी कोई रोड एक्सीडेंट होता है, या फिर कोई मर्डर्ड इंसान कोई पड़ा हुआ है, बुरी हालत खस्ता हालत में पड़ा हुआ है, तो कोई भी नोबल इंसान उसकी जाकर के सहायता नहीं करता है. वो कहता है कि नहीं यार, हम फंस जाएंगे, पुलिस ऑफिसर्स हम ही पे शक करेंगे, फिर हमें चार बार थाने जाना पड़ेगा, हम ही पे शक होगा, फिर हम पूरी अपनी डिटेल्स वगैरह वहां प्रोवाइड करें, हॉस्पिटल में हमें रुकना पड़ेगा जब तक इसके क्लोज मेंबर्स नहीं आ पाएंगे. तो ये सारे इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स की वजह से इतना हमने पेचीदा कर दिया इस पूरे प्रोसेस को, कि अब कोई भी कंपेल नहीं होता, कोई भी एनकरेज फील नहीं करता कि वो जाकर के किसी और की सहायता करे, और लोग जो है अपना दम तोड़ देते हैं. वी हैव विटनेस दिस ऑन अ लॉट ऑफ फ्लाईओवर्स, ऑन अ लॉट ऑफ हाईवेज, दैट पीपल अगर उनको एक सही टाइम पे मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती तो वो शायद बच जाते. तो ऐसे सारी चीजों से हमें क्राउड में एक अच्छा मैसेज प्रोवाइड करना है. मे बी समबडी हु इज कमिंग आउट फॉर हेल्प, या फिर किसी के केस में विटनेस बन रहे हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन हमारी जिम्मेदारी है, ताकि हम एक समाज में एक ऐसा मैसेज डाल पाए कि यू आर सेफ, वट एवर द केस मे बी, यू आर सेफ. एंड आपको ट्रूथ का साथ देना चाहिए. अगर आप कुछ भी जानते हैं उस पूरे मामले के बारे में, उस पूरे कांड के बारे में, तो आप उभर करके आगे आ सकते हैं और अपनी फीलिंग्स यू नो जता सकते हैं. हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन अथॉरिटी, एज एन इंस्टीट्यूट, हम खड़े हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए. तो इट्स अ वेरी गुड मूव, इट्स अ वेरी नाइस थॉट. तो लेट्स सी व्हाट फर्दर लॉज वी डू विटनेस इन आवर कंट्री. स्टिल ऑन द लास्ट चांस सलून, यहां पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हो रही है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हम कहते हैं UNFCCC, हो रहा है पोलैंड में. दिसंबर 3rd से 14th तक ये मीटिंग चलने वाली है. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 24th है ये. यहाँ पर एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर्स पे बात हो रही है, उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि टेम्परेचर, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर ऑलरेडी 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से. प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स मतलब जब पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, तब क्या एक एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर था और अब क्या हो गया. तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2 to 3 degrees इंक्रीज हो चुका है टेम्परेचर, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स आर्कटिक सर्कल में, एंटार्कटिक सर्कल में मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे हार्मफुल गैसेस और एक एडवर्स इंपैक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे एनवायरमेंट में, जिसकी वजह से ओशन लेवल्स राइज हो रहे हैं, हमारे रिवर्स और पल्यूट हो रही हैं. और जब एनवायरमेंट ज्यादा वार्म होता है, तो दिस गिव्स प्लेस टू द बर्थ ऑफ अ लॉट ऑफ बैक्टीरियाज एंड वायरसेस एंड प्रोटोजोआज, वो जाकर के हमारे एनवायरमेंट और इन्फेक्ट करते हैं, फिर हमारी बॉडी में भी वो अटैक करते हैं, फिर नई नई डिजीजेस पैदा होती हैं. बहुत सारे आउटब्रेक्स आपने सुना होगा, इबोला है, जीका है, स्वाइन फ्लू है, एंड अ लॉट ऑफ इवन दैट
अरे वो क्या था, वो जो केरला वाला था, निपा, निपा वायरस, निपा वायरस, सॉरी केरला वाला कह रही, मतलब केरला से जो ओरिजिनेट हुआ था, निपा वायरस है। बहुत सारे वायरसेस अपनी जगह ले लेंगे, बैक्टीरियाज अपनी जगह ले लेंगे, हमारी इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी, उनसे फाइट बैक करने के लिए हम मेडिसिन डिपेंडेंट हो जाएंगे, फिर पैदा होंगे हमारे सुपर बग्स जो कि होते हैं एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बग्स, जो कि किसी भी लेवल के एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो ये सारे सिचुएशन की वजह से हम अपनी जान ही दाव पे लगा रहे हैं। तो ये पे इतना ज्यादा ये अब प्रेसिंग इश्यू हो चुका है आज, एनवायरमेंटल टॉक्स, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, CO2 लेवल्स को मॉनिटर करना, ग्लोबल वार्मिंग कम करना, बहुत ही ज्यादा एक प्रेसिंग इश्यू हो गया। प्लस पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में जहां पर हमने डेवलप्ड नेशंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात करी थी, जहां पर हमने कहा था एटलीस्ट 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप कम करने की कोशिश करिए, CO2 लेवल्स कम करने के लिए कोशिश करिए, जो कि हमने भी अभी एक आध दिन पहले देखा था दैट वी आर द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो कि CO2 एमिट कर रहा है। तो ये काफी गंभीर सिचुएशन हमारी कंट्री के लिए भी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी पॉइंट आउट करा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारी कंट्री के सिटीज का पथेटिक है, हम पॉइजनस गैस, मतलब एक टाइप का पॉइजन ही अपने फेफड़ों में अंदर ले रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए इट द सिचुएशन इज वेरी अलार्मिंग। आप नॉर्मल सिटीजन्स होकर के गवर्नमेंट का वेट ना करें, अपने लेवल पर हम जितना कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो हाउस पोल्यूशन हो या कार पोल्यूशन हो या एनवायरमेंटल लिटर हो या किसी भी फॉर्म में आप पोल्यूशन अपने साइड से कम कर सकते हैं, तो वो हमें करना चाहिए, चाहे वो नॉइस पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, एंड गवर्नमेंट विल डू इट्स बिट। पहले हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। तो यहां पर एक पॉइंट ये भी कहा जा रहा है कि स्मॉल आइलैंड नेशंस जो है वो ऑलरेडी इसका जो है जोखिम उठा रहे हैं, ऑलरेडी इससे हिट हैं, क्योंकि जब वाटर लेवल राइज हो रहा है, फॉर एग्जांपल पैसिफिक ओशन का लेवल राइज हो रहा है, तो वी हैव अ लॉट ऑफ आइलैंड कंट्रीज विच आर अ पार्ट ऑफ ओशनिया एंड ऑस्ट्रेलिया कंट्री के अराउंड ये सारे आइलैंड कंट्रीज पाए जाते हैं, तो वो सबमर्ज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द राइज इन द वाटर लेवल। तो वो उनकी इकोनॉमी का क्या, उनके लोगों का क्या, फिर वो माइग्रेट करके बिगर लैंड के पास आ रहे, वो अपनी अपनी आइलैंड कंट्रीज छोड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें फैसिलिटेट करना चाहिए, हाई टाइम है कि हमें सोचना चाहिए। और ग्लोबल वार्मिंग इज वन थिंग जो कि हमारे एटलीस्ट यूपीएससी प्रिपरेशन और ऐसे राइटिंग से निकल करके अब प्रशासनों के कान के पास भी जू रिंगनी चाहिए, और इवन हमारे लिए भी ये सिचुएशन अलार्मिंग होनी चाहिए। हमें वेट नहीं करना चाहिए लाइक वी आर सिटिंग ऑन द सोफा कंफर्टेबली इन आर होम्स, एसी चला रखा है, पानी बेतहाशा वेस्ट हो रहा है, या फिर हम अपने आसपास प्लांट्स नहीं लगा रहे हैं। हम एज एन इंडिविजुअल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं टू कर्ब डाउन द CO2 लेवल्स इन द एनवायरमेंट। तो यहां पर हम ऑलरेडी दोहा अमेंडमेंट पीरियड में है, सेकेंड फेज ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल चल रहा है। अब ये दोनों चीज क्या है, ये मैंने आपको बैकग्राउंड एनालिसिस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप इसको गूगल करके मुझे बताएंगे इस पे 2 से 3 जरूरी पॉइंट्स। अभी भी कुछ कुछ डेवलप्ड नेशंस लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस एंड अ लॉट ऑफ कंट्रीज इन द यूरोपियन यूनियन आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द कोल फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर अ लॉट ऑफ अदर टेक्नोलॉजी एंड ऑल ऑफ दैट। तो यहाँ पर वो भी डिपेंडेंट हैं कोल पे, वो भी डिपेंडेंट नहीं है टू अ लॉट ऑफ क्लीन एंड रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। उनको भी टेक्नोलॉजी अटेन करना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए, उनको भी कंपेल करना चाहिए बाकी डेवलपिंग कंट्रीज को भी कि आप हमारे मॉडल को फॉलो करिए, और हम आपको सहायता कर रहे हैं, हम आपको मनी लेंड कर रहे हैं कि आप टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ला सकते हैं अपने कंट्री में। तो पहले हमें तो मॉडल ऑफ चेंज बनना चाहिए, पहले दिस developed nations should take the responsibility because their economies are developed, they do have money for change, they do have a very padhi likhi population and a level which they have already attained, to unke liye ye change adopt karna aasan hai, so of course they will become that model for change for the rest of the countries which are still developing and they can assist them as well. To hum ek aisa earth, hum ek aisi prithvi, hum ek aisi bhoomi chhod rahe hain apne future generation ke liye jo ki by the end of this century, जो कि 21st सेंचुरी अभी चल रही है, तो बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी हम पहुंचा देंगे लेवल्स 3 to 4 डिग्री वार्मर देन द प्री इंडस्ट्रियल एरा, जो कि एक काफ़ी अलार्मिंग फिगर है, जो कि काफ़ी अलार्मिंग नंबर है। तो मे बी हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा सेफ एंड साउंड फ्यूचर नहीं छोड़ रहे हैं, मे बी उनके बच्चों तक ये एनवायरमेंट पूरा ख़त्म हो चुकेगा, दुनिया का विनाश हो चुकेगा, कयामत आ चुकेगी, डूम्स डे आ चुकेगा, और हम सब सवाल जवाब के लिए खड़े होंगे भगवान जी के सामने। तो दैट्स वॉट अ लॉट ऑफ पॉलिसी मेकर्स एंड इवन रिलीजियस हेड्स एंड ऑल ऑफ पीपल हैव बीन टेलिंग अस कि देखो अब
खत्म है दुनिया, इट्स लाइक वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड. तो यहाँ पर यही है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2014, ये यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हो रहा है UNFCCC. तो ये थोड़ा सा आप इसको फॉलो करिएगा, थोड़ा सा इसको गूगल करिएगा, थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स इसको हमेशा एक अपने पॉइंट्स पर रखिएगा. एक हफ्ते की ये समिट है तो बहुत सारे पॉइंट्स आते जाएंगे, जैसे आते जाएंगे वो हम वैसे वैसे डिस्कस करते जाएंगे. रिलेशनशिप अंडर स्ट्रेस, यहाँ पर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उन्होंने कंक्लूड कर दिया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ही अक्यूज्ड है असैसिनेशन प्लॉट करने के लिए ऑफ जमाल खाशोगी, जो कि एक बहुत ही रेनाउंड जर्नलिस्ट थे और वो बाहर ही बाहर रहते थे, बाहर की कंट्रीज में रहते थे. सऊदी अरब के एक सिटीजन होने के बावजूद वो सऊदी अरब नहीं रहते थे, बिकॉज ही वॉज वेरी मच क्रिटिकल in his writings against the government, against their procedures, and he used to support the women rights and children's rights and human rights and all of that. So wo kahin na kahin inviting nahi tha for the Saudi Arab and its government, kyunki koi bhi awaz jo hamare khilaf khadi hogi hum usi ko hi shant kar denge. To unhone shant kar hi diya itne cruel tarike se, itne inhuman tarike se. Itni jahalat hai ye, itna zyada, matlab main to I have no words to express the feeling which I have whenever I come across such news. Freedom of speech and expression has, freedom of journalism hai, hum ek advanced race ka part hai, aur abhi bhi aise hate crimes ho rahe hain, kahin na kahin ye honor killings ho rahe hain, assassination ho rahe hain. To unki body ko utha karke chop kar diya tha, phir acid se usko jala karke puri tarike se khatam kar diya tha, and the ashes which were left of the body, they were flushed down from the toilet. To matlab कितना रूह कांपने वाला ये इंसिडेंट है. तो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म इनवाइट करा है मोहम्मद बिन सलमान ने. तो यहाँ पर सारी आंखें यूएसए पर है, क्योंकि यूएसए जो कि काफ़ी ह्यूमन राइट्स की बात करता है, डेवलपमेंट की बात करता है, कंजर्वेटिव अप्रोच को क्रिटिसाइज करता है, तो यूएसए का फ्रेंड है सऊदी अरब. तो अब सारी आंखें यूएसए के ऊपर है कि देखो तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है. विल यू टॉलरेट सच हनन ऑफ ह्यूमन राइट्स, विल यू टॉलरेट सच इंसिडेंसेस. और यहाँ पर यूएसए भी अपना एक पोजिशन यू नो एक नाजुक में है, क्योंकि सऊदी अरब इसका एक बहुत ही पुराना अलाय है वेस्ट एशिया में. वेस्ट एशियन पॉलिसी जो कि यूएसए की है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये और इसराइल सर्व करते हैं. तो ऑफकोर्स हम इनको भी निराश नहीं कर सकते. हम बाकी नाटो के जो यू नो कंट्रीज हैं, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज है जो कि इन सपोर्ट खड़ी हुई हैं जमाल खाशोगी के यू नो जस्टिस को लेकर के, तो उनको भी निराश नहीं कर सकते. तो अभी सारी आंखें यूएसए पे गड़ी हुई है. तो यहां पर आर्टिकल राइटर याद कर रहे हैं वो समा जब यूएसए और सऊदी अरब की दोस्ती हुई थी. तो यहां पर प्रेसिडेंट थे रोजवेल्ट एंड सऊदी अरब किंग थे अब्दुल अजीज इब्न सऊद. तो इनके बीच में ये एक समझौता हुआ था सूस कनाल में 1945 में, ये मीटिंग हुई थी. यूएसए ने पूरा का पूरा अपना समर्थन दिया था, सपोर्ट देने का प्रॉमिस किया था कि हम आपको मिलिट्री ट्रेनिंग, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, डिफेंस सेक्टर में जितना भी हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं हम आपको सपोर्ट करेंगे. और सऊदी अरब ने उनको रिटर्न में कहा था कि हम आपको ऑयल और पॉलिटिकल बैकिंग देंगे इन द रीजन. तो वट एवर इंटरेस्ट दैट यू हैव इन द रीजन, हम आपको हमेशा आपका जो है थिंकिंग, आपकी पॉलिसी, आपका इंटरेस्ट सपोर्ट करेंगे, हम आपको तेल देंगे और आप हमें बदले में डिफेंस में स्ट्रॉन्ग करेगा, हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए, हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करिए, हमें इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करिए, बिकॉज वी वॉन्ट टू बिकम अ वेरी मच स्ट्रॉन्ग कंट्री विद रिस्पेक्ट टू द डिफेंस सेक्टर. तो यहां पर सऊदी अरब का एक और यू नो मतलब था यूएसए से दोस्ती करने का, यूएसए को इन्वॉल्व करने का अपने पॉलिटिक्स में, अपने इंटरनेशनल रिलेशन में, वो ये था कि कम्युनिज्म का बहुत ही ज्यादा राइज हो गया था एक टाइम पे वेस्ट एशिया में, स्पेशली इन द कंट्रीज लाइक येमन, स्पेशली इन द कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, जहां पर कम्युनिज्म का एक हैंड हो गया था. तो वो एक थ्रेट देखा जा रहा था अरब मुस्लिम वर्ल्ड पे. सऊदी अरब नहीं चाहता था कि हमारे पड़ोसी नेशन फॉर एग्जांपल यमन में कम्युनिज्म का राज हो और एक सुन्नी वर्ल्ड ही डोमिनेट करे, तो वो ही अच्छा है. तो इस पूरे चक्कर में वो एक चाहता था कि हम एक डिफेंस सेक्टर में बहुत स्ट्रांग बने, एक स्ट्रांगर पावर, एक जो वर्ल्ड का है वो हमारा साथ दे, हमारा दोस्त कहलाए, ताकि हमारे पास एक मैन पावर हो. ठीक है, तो अमेरिकाज डिपेंडेंसी ऑन सऊदी अरब फॉर ऑयल हैज एक्चुअली डिक्रीज्ड ओवर द ईयर्स. तो अभी सऊदी अरब और अमेरिका का एक मतलब इंडिपेंडेंट रिलेशन ही है, एक रिलेशनशिप ऑफ वर्ड्स ही है, बट एज सच वो किसी भी चीज के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है. डिफेंस सेक्टर सऊदी अरब का ऑलरेडी ठीक ठाक हो गया है, यूएसए ने भी अपनी क्रूड ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा लिया है और दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोडक्शन यूएसए से मिलता है. तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी फॉर ऑयल ऑन सऊदी अरब हैज डिक्लाइंड, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि अब यूएसए एक पोजिशन में है कि वो सऊदी अरब को थोड़ी अपनी नाक और थोड़ा अपना
का रुतबा और थोड़ी अपनी छाती दिखा सकता है और वो किसी भी टाइप के रिश्ते के लिए मजबूर नहीं है. और दोनों कंट्रीज मजबूर नहीं है, काफ़ी इंडिपेंडेंट है अपने रिलेशंस के ऊपर, काफ़ी इंडिपेंडेंट है अपने चॉइसेस के ऊपर. तो अमेरिकन इकोनॉमी एज इट हैड इन 1973 जब बहुत सारा एम्बार्गो लगा दिया था ऑन अ लॉट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे थे इसराइल को. और इसराइल क्या थे? ज्यूज थे. ज्यूज और अरब के बीच में लड़ाई हो रही थी, ठीक है, ज्यूज वर्सेस अरब के बीच में लड़ाई हो रही थी जब पैलेस्टीन और इसराइल का फॉर्मेशन हो रहा था और इसराइलीज जो है पूरे पैलेस्टीन के एरिया को कैप्चर करके अपनी कंट्री इसराइल बना रहे थे. तो वहां पर ज्यूज और अरब के बीच में लड़ाई थी. ज्यूज को सपोर्ट कर रहे थे वेस्टर्न कंट्रीज, लाइक हमारा नाटो के सारे लोग ज्यूज को सपोर्ट कर रहे थे, दैट इज इसराइल के फॉर्मेशन को सपोर्ट कर रहे थे. और अरब वर्ल्ड जो कि डोमिनेटेड बाय सऊदी अरब, तो वो अरब के पूरे के पूरे कॉज को सपोर्ट कर रहा था. तो यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज पे एम्बार्गो लगाए गए कि हम आपको तेल नहीं बेचेंगे, हम आपको मिनरल्स नहीं बेचेंगे, गैस नहीं बेचेंगे, ठीक है, आप अपनी इंडस्ट्रीज आप डेवलप कर लीजिए हमारे सहायता के बिना. तो ये सारी चीज़ें चल रही थी. तो उसमें भी कहीं ना कहीं आई मीन अमेरिकन इकोनॉमी अफेक्ट नहीं हुई थी क्योंकि दोस्ताना काफ़ी पुराना है यूएसए से. इवन सऊदी जो है इन्वेस्ट करता है यूएसए में फॉर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़. तो मैं जैसे कि आपको कह सकती हूँ एक बायलेटरल रिलेशन है, एक कॉर्डियल रिलेशनशिप है, इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप है आज के टाइम में इन दोनों के बीच में. तो कहीं ना कहीं सारी आंखें गड़ी हुई है डोनाल्ड ट्रंप पे, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि वो उस पूरे इंसिडेंट में क्या अपना स्टैंड लेते हैं. तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि अभी बात साफ नहीं हुई है, बात टालते हुए नजर आ रहे हैं, कोई ओपन स्टेटमेंट देते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें. अगर हम इनका सपोर्ट करते हैं तो बाकी कंट्रीज हमसे नाराज हो जाएंगे, इनको हम सपोर्ट नहीं करते तो हमारा वेस्ट एशियन पॉलिसी कहीं ना कहीं यू नो वो हो जाएगा. प्लस जब यूएसए पर अटैक हुआ था 9/11 का, तो ये भी उनको क्रिटिसिज्म दिया जा रहा था सऊदी अरब को, सऊदी अरब से रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए उनको क्रिटिसाइज करा जा रहा था कि वहाँ भी कंट्री है, वहाँ भी फिलॉसफी को एनकरेज करते हैं, वहाँ भी फिलॉसफी मतलब थोड़ा सा कंजर्वेटिव इस्लाम टाइप्स फिलॉसफी है इनकी, थोड़ा सा कंजर्वेटिव इस्लाम फॉलो करते हैं ये, इनकी अपना अलग ही प्रीचिंग्स है, फॉलोइंग्स है, फीलिंग्स है, तो दे फॉलो अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन अ वेरी कंजर्वेटिव लाइन, तो जिसको बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करा जाता वर्ल्ड वाइड. और कहा जाता है बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वहां भी फिलॉसफी से ही यू नो प्रेरित होते हैं और इंस्पायर होते हैं. तो यूएसए को क्रिटिसाइज करा जा रहा था कि अब सऊदी अरब जो कि एक मैन्युफैक्चरर ऑफ वहाबिज्म है, वहाबी फिलॉसफी का एक मैन्युफैक्चरर है, तो आप ऐसी कंट्री को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, उनको आर्म्स एंड एम्यूनेशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो दुनिया में टेररिज्म थोड़ा सा कम कर पाए. तो यहां पर ट्विन ऑब्जेक्ट ट्रंप का हमेशा यही रहा है कि एक तो ईरानियन इन्फ्लुएंस कम करना है क्योंकि दे हैव टू सर्व द पर्पस ऑफ सऊदी अरब एंड इसराइल, जो कि दोनों नहीं चाहते कि ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़े, क्योंकि ईरान इज अ वेरी शिया डोमिनेटेड कंट्री और यहां पर शिया और सुन्नी विच आर द टू सेक्ट ऑफ इस्लाम, तो उनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज है, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है. दूसरा, इसराइल की सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज रहता है, एक बड़ा मुद्दा रहता है ट्रंप का उस पूरे एरिया में, बिकॉज दे ऑलवेज सपोर्ट द कॉज ऑफ इसराइल. यहां पर वही सारी बात है कि ग्रोइंग द रियलाइजेशन इन वॉशिंगटन एंड दैट द सऊदी पिलर ऑफ इट्स वेस्ट एशिया पॉलिसी इज गेटिंग वीकर, क्योंकि अब ये सपोर्ट ओपनली नहीं कर सकते सऊदी अरब एंड इट्स फीलिंग्स एंड इट्स प्लान्स एंड इट्स प्रोपोगेंडास, क्योंकि आप देख सकते हैं वर्ल्ड वाइड उनके खिलाफ बहुत सारे सेंटिमेंट्स फीलिंग्स एमर्ज हो रहे, वेदर वी टॉक अबाउट विमेन राइट्स, वेदर वी टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, वेदर वी टॉक अबाउट सेक्युलरिज्म, वेदर वी टॉक अबाउट वहाबिज्म एंड टेररिज्म, वेदर वी टॉक अबाउट igniting and initiating fights in the entire region, चाहे वो सीरिया में involvement हो, चाहे वो यमन में involvement हो, चाहे वो गल्फ countries में involvement हो, चाहे वो कतार पे आप देख लीजिए ब्लॉकेड का involvement हो. तो सऊदी अरब और उसके एक irritable approach या फिर उसका एक stringent approach या एक conservative approach invite नहीं कर रहा है बहुत सारे glares, पॉजिटिव एंड अच्छे ग्लेस. तो नेक्स्ट है हमारा चर्चा का विषय जो कि है स्पेशल मीडिया, सॉरी, सोशल मीडिया पोलराइजिंग द सोसाइटी. यहाँ पर ये मोहतरमा कह रही है हाँ जी हाँ ऐसा ही है, सोशल मीडिया पे नहीं होना चाहिए, आज के आज अपना फेसबुक ट्विटर हैंडलिंग और इंस्टाग्राम बंद कर दीजिए, ये हमारी रेस का जो है आईक्यू कहीं ना कहीं सीरियसली डाउन कर रहा है. तो यहाँ पर ये कह रही है कि 1.49 बिलियन पीपल फेसबुक यूज कर रहे हैं, 6,000 ट्वीट्स होती हैं ट्विटर पे ऑन एन एवरेज, और 40 बिलियन फोटोग्राफ्स डल चुके हैं इंस्टाग्राम पे जब से इसका इजाद हुआ.
हुआ है तो वी आर नॉट ओनली द कंज्यूमर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वी आर ऑल्सो द क्रिएटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, प्लस ऐसी इंफॉर्मेशन जिसकी कोई ऑथेंटिफिकेशन नहीं है, कोई ऑथेंटिक बैकग्राउंड नहीं है, कोई ऑथेंटिफिकेशन नहीं है. अब आप समझ लीजिए कितना ग्रीवियस और हार्मफुल और सरप्राइजिंग सिचुएशन हो सकती है. तो सोशल साइकोलॉजिस्ट सोलोमन एश का एक एक्सपेरिमेंट है, ये हमारी साइकोलॉजी में आई टीच दिस एक्सपेरिमेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी डे टू डे एक्सपीरियंस करने वाला एक्सपेरिमेंट है. इन्होंने क्या करा था, एक ग्रुप ऑफ 5 पीपल में बैठाया था जिसमें से 4 लोगों को जो यू नो सही आंसर पता था बट फिर भी वो गलत आंसर दे रहे थे, और फिर एक इंसान को यू नो एक इंसान पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा जा रहा था. तो जब एक सिचुएशन उनको प्रोवाइड करी गई और फिर इन सब ने गलत आंसर दिया, तो इसको सही आंसर पता होते हुए भी उसने गलत आंसर दिया, क्योंकि उसको लगा जब यार 4 लोग ये वाली बात कह रहे तो मतलब वही सही होगा. क्योंकि हमारा एक इननेट ह्यूमन नेचर है, एक बेसिक नेचर है कि हम सोसाइटी में कंप्लायंस चाहते हैं, हम सोसाइटी में एक्सेप्टेंस चाहते हैं, हम सोसाइटी से प्यार चाहते हैं, हम एक ग्रुप का पार्ट होना चाहते हैं, और उस ग्रुप का पार्ट होने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं. तो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग ऑन द सोशल मीडिया एज वेल, कि इंडिविजुअल्स आर विलिंग टू गो टू एनी एक्सटेंट टू गिव अ रॉन्ग आंसर, टू कंफर्म टू अ रॉन्ग कॉज, टू हैव अ मेजॉरिटी व्यू. तो एक मेजॉरिटी व्यू के तहत आने के लिए हम अपने व्यूज, अपने इंडिविजुअल व्यूज, अपने इंडिविजुअल ओपिनियंस को मद्देनजर नहीं रख रहे हैं, हम मेजॉरिटी व्यू को देख रहे हैं, हम फेक न्यूज को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं उस पर 1 मिलियन शेयर्स है, 30 मिलियन व्यूज है, और इतना वाइड स्प्रेड पॉपुलेशन में वो यू नो शेयर करा जा रहा है, बोला जा रहा है, तो मतलब यही सही है. वी हैव टू कंफर्म टू दैट. तो इम्पैक्ट ऑफ फेक न्यूज ऑनलाइन हैज बीन इंक्रीजिंग, इसको कर्ब करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू टेंड टू फॉलो पीपल हु होल्ड सिमिलर व्यूज देन योर्स, और जिसकी वजह से हम यू नो एक ब्लाइंड फॉलो करना, एक ब्लाइंड रोल मॉडल हम फॉलो करने के लिए हम इंक्लाइंड हो जाते हैं. यहां पर ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छी चीज है अगर इसको अच्छे से इस्तेमाल किया जाए, जो कि मैं भी फील करती हूँ दैट सोशल मीडिया के आने से हमें काफी फायदा हुआ है, जितना नुकसान हुआ है उतना फायदा हुआ है हर एक रेवोल्यूशन का, हर एक मूवमेंट का. जैसे कि मैंने हैशटैग मीटू कैंपेन के लिए भी कहा था कि हर टाइप के आंदोलन का एक अच्छा साइड और एक बुरा साइड होता ही होता है, वही सोशल मीडिया का है. जब सोशल मीडिया डेवलप हुआ फ्रॉम द आई थिंक टाइम ऑफ 2006 से ऑरकुट आने लगा था, उसके बाद फेसबुक आया, उसके बाद ट्विटर एंड ये हमारा इंस्टाग्राम तो अभी 5-6 साल ही पुराना है. तो जब ये सोशल मीडिया डेवलप हुए तब उसका एक अच्छा साइड भी देखने को मिला और एक बुरा साइड भी देखने को मिला. एक डिजिटल इकोनॉमी हमें देखने को मिली, ठीक है, तो चिल्ड्रन बीइंग लॉस्ट एंड फाउंड, डॉग्स बीइंग अडॉप्टेड, या फिर कोई अवेयरनेस कैंपेन है, या फिर हमें कोई यू नो एक अपना कोई बिजनेस हमें वो करना है, या फिर कोई हमें अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है, तो वी कैन डेफिनेटली यूज सोशल मीडिया. तो यहां पर ये बात ये भी कह रहे हैं कि देखिए, जब सोशल मीडिया नहीं था तब भी फेक न्यूज थी, तब भी हेट्रेड क्राइम्स थे, तब भी हम लोगों को गलत फ्रेम में हम उनको जज करते थे, न्यूज फैलाते थे, हर चीज वो करते थे, तब हम करते थे बुक्स प्रिंट करके. तो अगर आप सोशल मीडिया को बैन कर देंगे तो उसकी जगह कोई और तरीका मिल जाएगा, क्योंकि गॉसिप करना है, जिनको करना है वो तो करेंगे ही, वो बुक्स लिख करके करेंगे, वो आर्टिकल्स लिख करके करेंगे, वो न्यूज़पेपर से करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप इसको रोक नहीं पाएंगे, ये ह्यूमन नेचर है. तो हमें इसका पॉजिटिव साइड देखना चाहिए और पॉजिटिव साइड हमें एनकरेज करना चाहिए. व्हाइल द बर्थ ऑफ सोशल मीडिया, यहां पर अगेन ये कह रहे हैं कि काफी इंक्लूसिव है, पार्टिसिपेटिव है, बट डिस्ट्रप्टिव भी है. यहां पर ये कैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है सारे लोगों का, और क्लास, क्रीड, रेस, रिलीजन, सेक्स, एज, फाइनेंस, रिसोर्सेज, सबको यू नो नजरअंदाज करते हुए सबको एक इक्वल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. ऐसा कुछ नहीं है कि फेसबुक अकाउंट सिर्फ वही लोग बना सकते हैं जिनके पास 100 करोड़ की संपत्ति है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. तो दिस प्रोवाइड्स अ वेरी इक्वल प्लेटफॉर्म फॉर एवरीबॉडी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि लोग अपने ओपिनियंस वॉइस कर सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं अपना टैलेंट, अपने आर्ट को. तो जहां तक सोशल इवल्स बहुत ज्यादा है, सोशल मीडिया इवल्स बहुत ज्यादा है, बट इसके अच्छाइयां भी बहुत ज्यादा है. तो हमें जो है एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव तरीके से ये सारे चीजों को हैंडल करना चाहिए. तो पीपल शुड लर्न टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो शेयर करे. तो हमेशा ये सोचना चाहिए कोई भी बात कहने से पहले, शेयर करने से पहले, आगे अफवाह बढ़ाने से पहले, कि क्या वो सत्य है, क्या उससे किसी का फायदा होगा, और क्या ये वास्तविकता में मतलब यू नो क्या ये एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है. तो एक तीन हमें बात हमेशा याद रखनी चाहिए. पहली बात, क्या वो सच में सच है, तो आप उसका एक बैकग्राउंड एनालिसिस आप कर लीजिए, क्या उसको स्प्रेड करने से एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा या नहीं जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आपको मद्देनजर रखते हुए ही हमें अपना जो है मैसेज आगे
स्प्रेड करना जरूरी है. तो फूड फॉर थॉट, यहाँ पर बात हो रही है स्टंटेड ग्रोथ की. यहाँ पर हाइट और वेट का एक अच्छा बैलेंस बच्चे एक्सपीरियंस नहीं करते हमारी कंट्री में. एक स्टंटेड ग्रोथ एक्सपीरियंस करते हैं, माल नरिशमेंट एक्सपीरियंस करते हैं. मे बी उनकी हाइट बहुत कम है, वेट बहुत ज़्यादा है, या फिर हाइट बहुत ज़्यादा है और वेट बहुत कम है. तो दैट मीन्स एक अच्छा BMI हमारे कंट्री के बच्चे एक्सपीरियंस नहीं करते. 5 साल की उम्र से कम, एक ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट आई थी 2018 जिसमें हमारी रैंकिंग बहुत ही पुअर है. हमारे कंट्री को कंपेल करा जा रहा है कि आप जो है पॉवर्टी को रिड्यूस करिए, न्यूट्रिशनल अप्रोचेस लेकर के आइए. सिर्फ पेट भर लेने से खाना खाना नहीं होता, एक बैलेंस्ड डाइट जाना बढ़ती उम्र में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. और एक एक्सपेक्टिंग विमेन के लिए, जो कि बच्चा जो एक्सपेक्ट कर रही है, प्रेग्नेंट विमेन है, तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो अपना ध्यान रखे, एक अच्छी पौष्टिक एक डाइट ले, और जिससे आने वाले बच्चे का विकास अच्छा हो, डेवलपमेंट अच्छा हो. तो ये एक काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, जो कि एक डार्कन्ड कलर से जो डिस्ट्रिक्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर MP राजस्थान में देख रहे हैं, गुजरात में देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, कर्नाटका में देख रहे हैं, यूपी में सबसे ज़्यादा देख रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं. तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स बहुत ही ज़्यादा वर्स हिट डिस्ट्रिक्ट्स है. तो थोड़ा सा इसके बारे में रीड करिएगा. बेलांदो रिले से जो फोम की खबर आती है हर साल कि यहाँ पर जो अनट्रीटेड जो सीवेज है उसको रिलीज़ कर दिया जाता है रिवर में. हम बस क्या चाहते हैं, इजी वे आउट चाहते हैं, बिना सोचे समझे बस अपने कूड़े से, अपने वेस्ट से हम छुटकारा पाना चाहते हैं, और जो भी आसान तरीका होता है हम वो अपना लेते हैं. वही चीज़ फार्मर्स भी कर रहे हैं अपने फार्म्स में कि वो रेसिड्यूज़ को, जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है उसको जला देना सबसे आसान तरीका समझते हैं. लेकिन उसका हम बाद में रेपरकशन, उसका बाद में हम अंजाम नहीं सोच पा रहे हैं, जिसका अंजाम अब काफी हैवी मात्रा में हमें देखने को मिल रहा है. ऐसे झाग से हैवी मात्रा में दिल्ली NCR में देखने को मिल रहा है, एक एयर पोल्यूशन से भरा हुआ एक ब्लैक ब्लैंकेट से. तो हमें अपने जो एक्शंस जो हम आज ले रहे हैं उसका हमें आने वाला कल भी पता होना चाहिए, कि कहीं ना कहीं दोहरा करके उल्टा हम ही पे ही पड़ेगा ये. तो ये कहा जा रहा है कि 500 करोड़ हमें सेव करना चाहिए फॉर द लेक्स टू गेट क्लीनड अप, और उसके कंजर्वेशन के लिए, उसके क्लीनिंग अप के लिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को और एफिशिएंट करने के लिए ये सारी बात हो रही है. किया जो है एक ड्राइव आउट फर्स्ट कार एसोसिएशन कर रही है आंध्र प्रदेश के बहुत सारे प्लांट के साथ, जहां पर ई व्हीकल्स को ये लोग बनाएंगे. अगले साल तक ये लॉन्च होने वाली है पूरे स्टेट में. आंध्र प्रदेश इज गोइंग टू बी वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स टू इम्प्लीमेंट द ई व्हीकल्स एंड विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. तो यहां पर उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि क्लीन एनर्जी एंड electric vehicles are the future, and I am happy to know that Kia Motors are very much there in Anantapur plant, which is like having a very progressing future and everything. तो यहाँ पर January 2019 से हम एक hopefully बहुत सारे electric stations का इजाद देखेंगे, development देखेंगे, बहुत सारी electric vehicles आएंगी market में, जिसकी वजह से transportation cost भी कम होगा, environmental healthy भी है ये. तो एक win-win situation है कि हमारे लिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कम है और ये लेस पोल्यूटिंग भी है. तो यहाँ पर ये बात करी जा रही है कि आठ मृत्यु में से एक मृत्यु आप समझ लीजिए एयर पोल्यूशन की वजह से होती है. मे बी लंग कैंसर की वजह से, ब्रोंकाइटिस की वजह से, कोई लंग इन्फेक्शन की वजह से, ब्रीदिंग प्रॉब्लम की वजह से, एक आठ में से डेथ जो है वो पोल्यूशन की वजह से होती है. तो पोल्यूशन एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर हमारे कंट्री में सिचुएशन है, एक बहुत ही अलार्मिंग चीज़ है. तो उस पर हमें एक्ट करना और गवर्नमेंट का साथ देना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पर BR अम्बेडकर की डेथ एनिवर्सरी पर बहुत सारे लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि दी, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने उनके फोटो लगा करके उनको श्रद्धांजलि दी, रिस्पेक्ट पे करा. तो ये बैकग्राउंड एनालिसिस भी है आपके लिए कि आप मुझे BR अंबेडकर के बारे में कुछ जरूरी बात पॉइंट आउट करेंगे. यहां पर आलोक वर्मा हु वाज द CBI डायरेक्टर, उनके वापस आने की बात हो रही है. उनके जो उनको जो डिसक्वालीफाई कर दिया था, उनको अपने पद से हटने की जो बात करी थी, उसको सुप्रीम कोर्ट जो है क्वेश्चन कर रहा है कि आपने किस बिना पे उनको जो है हटाया था उनकी पोजीशन से. यहाँ पर जो है वोटिंग हो रही है तेलंगाना और राजस्थान में बहुत ही जोर शोर से. EVM मशीन्स का इस्तेमाल करा जा रहा है, VVPAT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा जा रहा है, ताकि हम एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस प्रोवाइड कर पाएं हमारी कंट्री में. CBI कन्फ्रंट कर रही
है क्रिश्चियन माइकल से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, अगस्त तक वेटलैंड जो हेलीकॉप्टर्स इटली से हमने इंपोर्ट करा था, तो यहाँ पर कुछ करप्शन चार्जेस लगे हुए हैं इन पर कि उन्होंने कोई यू नो ब्लैक डील करा एंड ऑल सॉर्ट ऑफ दैट. यहाँ पर टूरिस्ट सबसे ज़्यादा मात्रा में ट्रैश लेकर के आ रहे हैं बीचेस पे, बहुत सारी ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोचेस पे जो बीचेस हैं जो कि टूरिज्म पोटेंशियल बीचेस हैं, हमारी कंट्री के खूबसूरत बीचेस हैं, वहाँ पर प्लास्टिक की बॉटल्स, कांच की बॉटल्स जो कि दूसरों के पैरों को भी हर्ट करती है, तो उसका कूड़ा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है. मेरी तरफ से आपसे दरख्वास्त है, पहाड़ों पर जाएँ, बीच पर जाएँ, कोई भी टूरिस्ट प्लेस पर जाए, डस्टबिन का इस्तेमाल करें, कूड़ा कचरा ना फैलाए, क्योंकि वहाँ के लोकल पॉपुलेशन के लिए भी काफ़ी एक डिस्ट्रेसिंग अलार्मिंग सिचुएशन है कि देखिए टूरिस्ट को एक तो वो वेलकम कर रहे हैं, ऊपर से आप उनकी सिटी जाकर के गंदा कर ले, ये कोई अच्छी बात नहीं. दो लोग की मारे जाने की खबर आ रही है चबाहर एरिया से, चबाहर पोर्ट जो कि इंडिया डेवलप कर रहा है ईरान में डेवलप कर रहा है ताकि हम अपने पोर्ट सिटी से सीधा ईरान जो है कंसाइनमेंट भेज पाएं, ताकि वो एक रेल कनेक्टिविटी से अफगानिस्तान पहुंच पाए, अफगानिस्तान से सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी पहुंच पाए. तो इट इज़ लाइक अ गेटवे फॉर अस टू अ लॉट ऑफ कंट्रीज इन द एशियन, इन द वेस्ट एशिया एंड इन द सेंट्रल एशियन कंट्रीज, एंड वी वॉन्ट टू सरपास पाकिस्तान. तो यहाँ पर एक फॉरन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर जो है एक यू नो बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, कार में बॉम्ब्स प्लांटेड थे, तो काफ़ी दुखद सिचुएशन है. तो यहाँ पर सिक्योरिटी चेक्स वगैरह भी करा जा रहा है, क्योंकि हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस रखता है वो पोर्ट एरिया. बैकग्राउंड एनालिसिस में आपके लिए, आप मुझे पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आप ले सकते हैं एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए वो आप मुझे बताएंगे. एटलीस्ट आई वॉन्ट 6 ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू कैन टेक, और ये एक ऐसे राइटिंग में और आंसर राइटिंग में भी आपको हेल्प करेगा. क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट क्या है, दोहा एग्रीमेंट क्या है, बीआर अंबेडकर के बारे में 10 इंपॉर्टेंट चीजें आप मुझे बताएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, कब बनी थी, क्या उसका रीजन था, मुद्दा था एंड एवरीथिंग. टार्डी, डिलेइंग और डिलेड बियॉन्ड द राइट और एक्सपेक्टेड टाइम, मतलब मंदा होना, सेल्डम नॉट ऑफन. मिन्यूशिए द स्मॉल प्रिसाइस और ट्रिवियल डिटेल्स ऑफ समथिंग, जरा सी बात. टॉटरिंग, मूव इन अ फीबल और अनस्टेडी वे, डगमगाने वाली बात. मैलिशियस, टेंडिंग और इंटेंडेड टू डू हार्म, मतलब दुर्भावनापूर्ण. मैप प्रैक्टिस में आपके लिए कॉन्टिनेंट है यूरोप, कंट्री है क्रोएशिया, ब्यूटिफुल कंट्री इन यूरोपियन इन द यूरोप कॉन्टिनेंट. ये इसका फिजिकल डिविजन आप देखिएगा, डायनेरिक एल्प्स, एड्रियाटिक सी, रिवर सावा, ये इसका कैपिटल है, ये इसकी करेंसी, ये इसका फ्लैग. टूवर्ड्स द एंड आई वुड से स्टे ट्यून टू पेंसिलबॉक्स education for more videos and updates, and do check out the links in the description below. Do give this video a big thumbs up if you really like my energy, my content, my way of delivering knowledge to you, or my mehnat. koi bhi cheez aapko pasand aa rahi ho to please apna samarthan dijiyega, ye ek sirf guru dakshina hai jo main aapse chahti hu. Thanks a lot for being a patient listener. Do your background analysis questions daily, or please do share a word of awareness as well. Be happy, stay positive, spread love, that's the most important thing. Signing off from Pencilbox Education, Jai Hind, and thank you for